हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेडपूल मर्ज विद द माउथ का एक नया एपिसोड, और इसके बाद का एपिसोड आखिरी एपिसोड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले हम देखते हैं डेडपूल को, जो वेरोनिका से कह रहा था, हाँ मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, 3 ब्लॉक्स आगे वेस्ट में, ठीक है। और फ़ोन रखकर वो अपनी टीम से कहता है, टीम डेडपूल ध्यान से सुनो, हमारी प्रोफेसर वेरोनिका हमसे मिलने वापस आ रही है। सिर्फ हमें न्यूज 17 के रूफ तक जाना होगा, जहाँ पर चॉपर रखा है। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर डॉक्टर बेटी उससे कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस बिल्डिंग के मलबे से रेंगते हुए चल चल कर थक चुकी हूँ, क्या तुम मुझे साफ समझ रहे हो? जिस पर डेडपूल कहता है, तो ऐसी बात है, तुम्हें इसके लिए एफर्ट उठाना ही पड़ेगा। हम थोड़ी देर बाद चॉपर में होंगे, और उसके थोड़ी देर बाद हम नेक्सस ऑफ रियलिटी में होंगे, या फिर जो भी उसे कहते हैं। मुझे तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं एम एजेंट और सब कमांडर को, जहाँ पर एजेंट अपने सब कमांडर से कहता है, सर मुझे लग रहा है कि हमारा मिशन गोल अब हमारे हाथ में नहीं आने वाला। जिस पर एम सब कमांडर कहता है, बताने के लिए शुक्रिया कैप्टन ऑब्वियस, मैं उस स्टूपिड हेड को पकड़ने के इरादे से वहाँ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ अपने आप को बचाने जा रहा हूँ ताकि हम घर जा सके। जहाँ पर वो एजेंट कहता है, मैं आपके फेवर में तो हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। इस पर एम सब कमांडर कहता है, तुमने उन्हें नहीं सुना, वो हेलीकॉप्टर लेने जा रहे हैं और उसके बाद वो जाएंगे डायमेंशनल गेटवे तक। जिसके बाद एम एजेंट उससे कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विल्सन हमें उस प्लेन में चढ़ने देगा। जिस पर सब कमांडर कहता है, इसका मतलब तुम्हें मेरी क्रिएटिविटी पर शक है। दूसरी ओर हम देखते हैं प्रोफेसर वेरोनिका को, जो जॉम्बी बन चुकी थी और एब्जॉर्बिंग मैन और दूसरे जॉम्बी के साथ खड़ी थी, उसे कह रही थी, सब सेट हो चुका है, अब हमें पता है कि वो कहाँ पर जाने वाले हैं, तो लंच के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर एक जॉम्बी कहता है, जिसे वेरोनिका ने कैद किया था, ये बहुत अच्छा है, पहले तुमने मुझे रेस्क्यू किया अंडरग्राउंड साइंस लैब से, और अब तुम लोग मेरे साथ ह्यूमन फ्लैश बांटना चाहते हो, तुम लोग बहुत अच्छे हो। जिस पर एब्जॉर्बिंग मैन उसका गला तोड़ते हुए कहता है, शेयर, तुम्हें लगा कि हम तुम्हारे साथ वो फ्लैश शेयर करेंगे? और जाते हुए वेरोनिका उससे कहती है, जल्दी चलो, मैं नहीं चाहती कि हमारा फ्लैश कहीं उड़कर चला जाए, स्पेशली उस हालात में जब वहाँ पर हेलीकॉप्टर खड़ा हो। तब एब्जॉर्बिंग मैन उससे कहता है, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा, क्योंकि तुमने मुझे बहुत सारा फ्लैश देने का वादा किया था। और वो जॉम्बी वहीं पर पड़ा उनसे कह रहा था कि मुझे भी साथ में ले चलो, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करते हुए जा रहे थे। न्यूज 17 के बिल्डिंग में जाकर डेडपूल कहता है, ठीक है, मुझे लगता है कि एलिवेटर काम नहीं कर रहा होगा, तो हमें सीढ़ियों से जाना होगा, 50 या 60 फ्लोर्स होंगे। जिसे सुनते ही बिल की हालत पतली हो जाती है, और वो कहता है, रुको, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि मैं पायलट हूँ। और उसका मजाक उड़ाते हुए जॉम्बी डेडपूल कहता है, माफ़ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास पैर नहीं है, तो मैं मदद भी नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर बेटी और डेडपूल आपस में बात कर रहे थे, जहाँ वो डॉक्टर बेटी से कहता है, डॉक्टर बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रोफेसर वेरोनिका को जेलिस करने में मेरी मदद करो, हमारे फ्रेंडशिप के खातिर। जिस पर डॉक्टर बेटी कहती है, क्या कहा तुमने, फ्रेंडशिप के खातिर, मैं और तुम अभी फ्रेंड्स नहीं थे। इस पर डेडपूल गुस्सा हो जाता है, और तभी उसे दिखती है वेरोनिका अपने पूलो विजन में, लेकिन डॉक्टर बेटी उसे जॉम्बी देख पा रही थी, जिसमें वो पूलो विजन में उससे कहती है, वहाँ क्यों खड़े हो डेडपूल, मेरे पास आओ, इतने दिन हो गए तुमसे मिले हुए। तभी डॉक्टर बेटी उसे अलग करते हुए कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो जॉम्बी बन चुकी है। तब प्रोफेसर वेरोनिका कहती है, तो तुमने मुझे पहचान लिया, अब इस मस को खाने के बाद तुम मेरा टेस्टी डेजर्ट बनोगी। इतना सुनते ही डॉक्टर बेटी कहती है, क्या कहा तुमने, अब मैं तुम्हारा ये चेहरा पूरी तरह से ब्लास्ट करने वाली हूँ। जिस पर डेडपूल कहता है, जल्दी शूट करो, और मैं इसका सर इसके धड़ से अलग कर दूंगा। और इतना कहने से पहले ही एब्जॉर्बिंग मैन उसे एक झटके में दूर फेंक देता है, और वो दूर जाकर गिरता है। जहाँ पर दूसरी तरफ डॉक्टर बेटी और वेरोनिका आपस में लड़ रहे थे, जहाँ पर वेरोनिका कहती है, तुम डिलीशियस लग रही हो, तुम्हारा ये फ्लैश मुझे और भी उकसा रहा है, मेरी हंगर और बढ़ रही है, और अब मैं ये फील करूंगी कि तुम्हारा ब्लड मेरे गले में कैसा लगता है। तो डॉक्टर बेटी डेडपूल को बुलाते हुए कहती है, डेडपूल, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? जिस पर डेडपूल कहता है, तुम्हें पता है बेटी, हम सभी के पास एक एक जॉम्बी प्रॉब्लम्स होती है। और तभी एब्जॉर्बिंग मैन उसे मारते हुए कहता है, ये मत भूलना कि मैं तुम्हें मेरे सिर के ऊपर बिल्डिंग गिराने के लिए माफ कर चुका हूँ, अब तुम्हारे ऊपर टनों के हिसाब से बोझ पड़ेगा। और तभी बिल
शूट करने लगता है एब्जॉर्बिंग मैन को। इसे देखते ही वो स्टोन वॉल की तरफ भागते हुए कहता है, मैं खुद को बुलेट प्रूफ बनाना भूल गया, लेकिन तुम्हारे पॉप गन्स तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी जब मैं इस स्टोन वॉल को एब्जॉर्ब कर लूंगा। लेकिन तभी डेडपूल अपने हाथ का टॉयलेट पेपर उसके हाथों के नीचे फेंकता है और कहता है, तो ठीक है, इसे एब्जॉर्ब करो, ये बहुत ही एब्जॉर्बेंट है। और तभी वो एब्जॉर्बिंग मैन कन्वर्ट हो जाता है टॉयलेट पेपर में। टॉयलेट पेपर मैन यानी कि एब्जॉर्बिंग मैन को काटकर डेडपूल बढ़ता है वेरोनिका की तरफ, जिसे देखकर वो कहता है, अब एक को फ्लश कर दिया, अब तुम्हारी बारी। जिस पर वो रूफ के एक तरफ होकर कहती है, रुको मेरी बात सुनो, आखिरकार हमें कुछ तो था, इसलिए मेरी बात तो सुनो। जिस पर डेडपूल कहता है, तो इसीलिए तुमने खुद को ऐसा बना लिया है ना। जिस पर प्रोफेसर वेरोनिका कहती है कि मैंने तुम्हारे स्केयर को ओवरलुक किया, इसके लिए माफ़ कर दो। जिस पर वो कहता है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ लो स्टैंडर्ड से हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं करूँगा। तो बताओ तुम स्वॉट के स्लाइस से मारना चाहती हो या फिर छत से धक्का देकर। जिस पर वो एक वायल निकाल कर कहती है, तुम मुझे छोड़ दो और तुम्हें ये मिलेगा। जिस पर वो कहता है, ये ऑरेंज है, इसका मतलब ये कि ये केटा रेड है। जिस पर वो कहती है, ये आखिरी बच्चा वायल है उस सीरम का जो इस पूरे जॉम्बी वायरस को क्योर कर सकती है। ये मैंने तब हासिल किया जब मेरी लैब पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, लेकिन इसे एक घंटे के अंदर लेना होता है और मैं फर्स्ट टेस्ट पास कर चुकी हूँ, तो मुझे जाने दो और तुम्हें ये मिलेगा, वरना ये मैं फेंक दूंगी। जिस पर डॉक्टर बेटी कहती है, उसकी बात सुन लो, हमारी ट्रिप बहुत बड़ी है सर्टस विला तक, और अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया तो। जिस पर वो कहती है, ठीक है, कोई शूट नहीं, कोई मारकाट नहीं, और मैं ये नहीं फेंकूंगी, प्रॉमिस। जिस पर डेडपूल कहता है, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, और एक बार देखता है डॉक्टर बेटी की तरफ और कहता है, लेकिन डॉक्टर बेटी ने प्रॉमिस नहीं किया है। और थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग से नीचे आती है प्रोफेसर वेरोनिका एक रॉकेट की तरह, जिसे देखकर बिल कहता है, ये तो बहुत अच्छा शॉट था, तुमने बहुत अच्छी तरह से उसे धक्का दिया। इस पर डॉक्टर बेटी खुश होकर कहती है, ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था। तभी नीचे देखते हुए डेडपूल कह रहा था, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी सुपर साइंस सीरम नहीं होगी जो किसी को भी फुटपाथ पर गिरने के बाद बचा सके। और तब वो कहता है, अब फ्लाइंग जॉम्बी शो ओवर हो चुका है, और मुझे लगता है कि मैंने हेलीपैड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया है। जब मैं यहाँ पर पहली बार आया तो जॉम्बी डिस्ट्रैक्शन की वजह से उन्हें मारते वक्त मेरा ध्यान इस पर नहीं गया, लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हेलीकॉप्टर इनविजिबल है। और बाद में वो कहता है, ये तो जोक था, लेकिन यहाँ पर हेलीकॉप्टर है ही नहीं। तब बिल कहता है, तो मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, ना हेलीकॉप्टर ना पायलट, ठीक है ना। तभी जॉम्बी डेडपूल कहता है, गाइस हमें कुछ ना कुछ ढूंढना ही होगा इससे पहले अपॉर्चुनिटी की विंडो सर्टस विला में बंद हो जाए, वरना इस सब काम का पर्दाफाश हो जाएगा। जिस पर बेटी कहती है, हेड का कहना सही है, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, हमें एयरपोर्ट जाकर वो प्लेन ढूंढना ही होगा। और तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर डॉक्टर बेटी कहती है, तुमने वो सुना। और तभी वो देखते हैं एम सब कमांडर को, जो हेलीकॉप्टर से कह रहा था, स्वागत है मिस्टर विल्सन, आपको कोई एतराज़ नहीं होगा अगर मैंने इसे पहले ले लिया तो। एम सब कमांडर कहता है कि मैंने आपका हेलीकॉप्टर बोरो कर लिया है, और मजे की बात यह है कि इसका टैंक भी फुल है। तब आगे वो कहता है, हमें एक दूसरे की जरूरत है विल्सन, तुम्हें राइड चाहिए और मुझे और मेरे आदमी को तुम चाहिए उस स्वैम्प गेटवे के थ्रू जाने के लिए, तो सौदा करते हैं। इस पर वो कहता है, ठीक है, पहले उस चीज़ को नीचे उतारो। नीचे उतर कर वो कहता है, बीत गई सो बात गई, अब हम एक डील करते हैं, तुम प्रॉमिस करो तुम हमें राइड दोगे। इस पर डेडपूल कहता है, एक ही दिन में दो प्रॉमिस हो गए, ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें राइड दूंगा। और आगे हम देखते हैं कि डेडपूल ने राइड कैसे दी, उन्हें हेलीकॉप्टर से लटका कर, जहाँ वो कह रहा था, तुम अपनी राइड इंजॉय तो कर रहे हो ना, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। जिस पर एम सब कमांडर कहता है, तुम पागल हो, भगवान के लिए मुझे ऊपर खींचो प्लीज़। जिस पर डेडपूल कहता है, तो तुम समझ गए हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, लेकिन तुम यहाँ पर कमांडर नहीं हो, किसी चीज़ के नहीं और कभी भी नहीं, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, और तुम मेरे पार्टनर तो बिल्कुल भी नहीं हो, तो तुम्हें गेटवे तक जाने के लिए मेरी ज़रूरत है, और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम करोगे, खुद कोई बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करना। इस पर सब कमांडर कहता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर में लेने के बाद बिल बताता है, गाइस ये चॉपर फास्ट तो है लेकिन ये लॉन्ग रेंज के लिए बिल्ड नहीं किया गया। तब बेटी बताती है, मैं चेक कर रही हूँ एयरपोर्ट्स के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पर रुककर कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा, हमें उस जॉम्बी डेडपूल को नेक्सस ऑफ रियलिटी में पहुँचाना होगा। जहाँ पर जॉम्बी डेडपूल कहता है, हमें कोई ना कोई प्लान तैयार करना होगा मेरी बॉडी पीछे लाने के लिए, क्योंकि मैं
छोटा नहीं रहना चाहता, मुझे भी लंबा होना है। जिस पर डेडपूल कहता है, हाँ लेकिन पहले हमें ये प्लान करना होगा कि हम इतना लंबा रास्ता कैसे तय करेंगे। जहाँ पर डेडपूल गाना गाना शुरू करता है और उसकी लाइन्स कुछ इस तरह से थी, 250,000 कैंस ट्रेस्का के वॉल के, उसमें से एक निकाल लिया। और कुछ घंटों के बाद उस गाने की लाइन खत्म होती है, लिविंग वन कैन फ्रेस्का ऑन द वॉल। इसका मतलब है कि उसने सारे लोगों को बहुत बुरी तरह से बोर किया होगा। और जब एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है तब वो कहता है, तो तुम लोग इस तरह से गाना गाते हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था मुझे ज्वाइन करने के लिए। और एम एजेंट से पूछता है कि कितना वक्त लगेगा रिफ्यूलिंग के लिए, इस पर वो कहता है कुछ ही मिनट और। तभी बिल और बेटी खाने की सामान लेकर आते हैं, जहाँ पर बेटी कहती है, तुम्हारे पूछने से पहले बता दूँ वहाँ पर फ्रेस्का नहीं मिली। तभी एम सब कमांडर अपने एजेंट को बुलाते हुए कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। तब वो एजेंट कहता है, सर प्लीज कोई आइडिया मत सोचिए। जिस पर एम सब कमांडर कहता है, हम पूरी तरह से फंस चुके हैं, हम अब भी अपना मिशन कंप्लीट कर सकते हैं और एम में अपनी जगह बनाए रख सकते हैं। वो देखो वो अभी भी खा रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम उनके साथ हैं। बेटी ने वहाँ पर मार्क किया है जहाँ पर नेक्सस ऑफ रियलिटी की लोकेशन है, तो हमें सिर्फ यही करना है कि हेड लेना है और भागना है। जिस पर वो एजेंट कहता है, सर विल्सन हमें मार देगा। लेकिन तभी बिल चेक करने जाता है कि रिफ्यूलिंग के साथ क्या हुआ। तब डेडपूल पटाने की कोशिश करता है डॉक्टर बेटी को, जहाँ पर वो कहता है, तुम्हारे ग्लासेस मुझे याद दिलाते हैं लाइब्रेरियन की, जिसे मैंने वीडियो में देखा था, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है। तुम बहुत सुंदर हो और एक अकेली ऐसी हो जो टफ रिसोर्सफुल हो इस जॉम्बी यूनिवर्स में। जिस पर डॉक्टर बेटी कहती है, तुम मुझे उस तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो जो मैंने कभी नहीं सोचा था। आगे डेडपूल उसे देखकर हंस रहा था। और यहाँ दूसरी तरफ एम एजेंट बिल से पूछता है कि क्या तुम अब भी एम के लिए लॉयल हो। जिस पर वो कहता है, मैंने अभी सोचा नहीं है, अगर हम घर चले गए तो हम सभी फायर होने वाले हैं। जिस पर एम सब कमांडर कहता है, गलत कहा, क्योंकि हमारे पास प्लान है ये मिशन कंप्लीट करने का, तुम हमारे साथ हो या नहीं। जिस पर बिल कहता है, मैंने एम इसलिए ज्वाइन किया था कि इसके साथ बेनिफिट्स थे और यूनिफॉर्म अलाउंस था, लेकिन मैंने कभी भी गन्स और एक्सप्लोजन्स के बारे में नहीं सोचा, और जॉम्बिस के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। तो प्रोबेबली अगर मैं वहाँ से निकाला नहीं गया तभी मैं उसे छोड़ दूंगा। और ऐसा सुनते ही वो जोरदार वार के साथ बेहोश हो जाता है। डेडपूल और बेटी को एम सब कमांडर ये कहकर वहाँ से भेज देता है कि वहाँ पर लगभग 50 जॉम्बिस आ रहे हैं, उन्हें मारने के लिए वो दोनों उस तरफ जाते हैं। जिस बात का फायदा उठाकर वो हेलीकॉप्टर के साथ उस जॉम्बी हेड को लेकर भाग जाता है। उन्हें देखकर डेडपूल कहता है, तुम शायद भूल गए कि हम उस चॉपर में नहीं है। और डेडपूल डॉक्टर बेटी से कहता है, अब हम दोनों ही बचे हैं यहाँ पर, तो हमें ही इस अर्थ को रिपॉपुलेट करना होगा। जिस पर बेटी गुस्सा हो जाती है और कहती है, अपना मुंह बंद रखो। अंदर जॉम्बी डेडपूल को धमकी दे रहा था एम सब कमांडर, लेकिन जॉम्बी डेडपूल उसकी उंगली काट लेता है और कहता है, तुम्हारे ब्लड लाइन में जॉम्बी वायरस फैल रहा है, तो तुम्हें अगर सर्वाइव करना है तो तुम्हें मेरे साथ डील करनी होगी।